नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं गोपालगंज सदर विधानसभा सीट के लिए और मोकामा विधानसभा सीट के लिए। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट पर AIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है और AIM के उम्मीदवार के प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो गोपालगंज आ रहे हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान इस तस्वीर में दिख रहे हैं। उनके बगल में पार्टी का एनवेलप लिए हुए, एक तरह से पार्टी का सिंबल लिए हुए हैं अब्दुल सलाम असलम, जिन्हें AIMIM ने अपना गोपालगंज सदर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिला कहें कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो गोपालगंज अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और इसके लिए बाजाब्ता पार्टी की तरफ से लेटर जो है वो चुनाव आयोग को लिखा गया है और जिसमें कि स्टार कैंपेनर गोपालगंज के लिए कुल 10 लोगों को जो है वो बनाया गया है। और देख सकते हैं इसमें कि सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIM। इसके अलावा अकबरउद्दीन ओवैसी भी हैं, अख्तरुल ईमान भी हैं जो कि पार्टी के विधायक भी हैं बिहार से और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार की AIMIM के। इसके अलावा आदिल हुसैन स्पोक पर्सन AIMIM बिहार, शौकत अली स्टेट प्रेसिडेंट AIMIM UP, मोहम्मद सलमान जनरल सेक्रेटरी AIMIM UP, मोहम्मद शाकिर स्टेट प्रेसिडेंट AIMIM झारखंड, इस्तियाक अहमद ज्वाइंट सेक्रेटरी AIMIM बिहार। तो कुल मिला कहें कि गोपालगंज सदर सीट पर जो AIMIM है जो अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकने को एक तरह से कह सकते हैं कि तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी जो है खुद प्रचार की कमान संभालेंगे। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई कि असदुद्दीन ओवैसी कब आएंगे, लेकिन शौकत अली जो कि आदिल हसन जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM बिहार के, उन्होंने हमसे फ़ोन पर जानकारी दी है कि 20 अक्टूबर के बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बिहार के दौरे पर आएंगे और AIM के उम्मीदवार जो हैं गोपालगंज सदर से उनके लिए वो प्रचार करेंगे। तो कुल मिला कहें कि गोपालगंज की लड़ाई जो है वो रोचक हो चुकी है। एक तरफ स्वाधु यादव की पत्नी बसपा के टिकट पर उम्मीदवार हैं तो BJP की तरफ से भी उम्मीदवार हैं, तो RJD के तरफ से भी उम्मीदवार हैं। जिस तरीके से AIMIM ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है जो RJD के खेमे में जाता है गोपालगंज के, वो बटेगा और नुकसान जो है हो सकता है कि महागठबंधन को हो, इस मायने में हो क्योंकि AIMIM जो है वो गोपालगंज चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो गोपालगंज के दौरे पर आने वाले हैं और जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जब गोपालगंज के दौरे पर होंगे तो तीखी बयानबाजी जो है वो होगी। जानकारी दे दें आपको कि पूर्व मंत्री एवं BJP नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है गोपालगंज सदर विधानसभा सीट। इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। BJP ने जहाँ सुभाष सिंह की पत्नी को ही टिकट दिया है, वहीं महागठबंधन ने RJD नेता मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी यहां से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो अब AIMIM भी चुनावी रण में उतर चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के गोपालगंज के उपचुनाव में लड़ने से BJP को फ़ायदा हो सकता है। ये बड़ी बात है कि BJP को फ़ायदा हो सकता है। तय है कि AIMIM किसी मुस्लिम उम्मीदवार AIMIM के चुनावी रन में उतरने से फ़ायदा जो है वो BJP को हो सकता है। बता दें कि 3 नवंबर को वोटिंग होगा बिहार उपचुनाव को लेकर और 6 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी गोपालगंज आते हैं और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का बयानबाजी जो है वो यहाँ आकर करते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।